कुनै पनि यो खास गरेर बुद्धको बारेमा मैले जगिस्तु तार यो निगली हवा यो सगरहवा यो सगरहवाको क्षेत्र जुन बुद्धको शाक्यहरूको वध गरेको ठाउँ मृत्यु मारेको ठाउँ शाक्यहरूको जहाँ वध गरेको ठाउँ त्यस्तो चाहिँ हेर्न पाइएको थिएन र साथीहरूले सगरहवा हावामा हाम्रै साथीहरूले बनाएका मूर्तिहरू जुन हेर्न पाइयो साह्रै नै रमाइलो र खुसी लाग्यो त्यो कुराहरूको देखेर त्यो मूर्तिहरूको विषयमा पनि किनभने हाम्रै साथीहरूले म पनि फाइन आर्टमै हो मेरो चित्रकला हो उहाँहरूको उहाँहरूको त्यो स्कल्पचर स्कल्पचर साथीहरूले आएर जुन किसिमको लिनुभयो त्यो साह्रै खुसी लाग्यो र नयाँ कुराहरूको अनुभव गर्न पाइयो ऐतिहासिक स्थलहरूको नयाँ कुराको अनुभव गर्न पाइयो र यो यसले गर्दाखेरि एउटा हरेक नेपाली जनतालाई एउटा स्फूर्त भावना र यो ऐतिहासिक कुराहरू कसैले जनमानसमा चाहिँ नदेखेको कुराहरू नसुनेका कुराहरू त्यो चाहिँ प्रचार गर्न चाहिँ बढी सक्षम छ यो साइकल यो भेरवा साइकल सिटीले गरेको यो चाहिँ सहकार्य छ र हरेक वर्ष यो कार्यक्रम भइराख्नुपर्छ हस् त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अर्को कुरा र झाँकीहरू जस्तै चौधरीहरूको भाषा या आदिभाषा बोलिन्छ आदि भाषाको बारेमा पनि धेरै कुरा आउनु भयो उनीहरूको झाँकीहरू सांस्कृतिक पर्वहरूको उनीहरूको खानाको जुन रस्तपान मिष्ठान हो कि होइन उनीहरू खाने शैलीहरूको बारेमा पनि धेरै कुराहरू हामीले जानकारी पायौँ हस् धन्यवाद तो गाइस यहीं पे जो मूर्ति मूर्ति कुदा हुआ एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है गाइस सब जितने भी है यहाँ पे देखिए और यहाँ भी आपको देखने को मिलता है तो इधर भी आपको देखने मिलते हैं और यहीं बाजू पे भी जितना भी आर्ट है वो आर्ट वाला स्टैचू वाला बनने का काम से हो रहा है एकदम कम से कम 7-5 महीने से ये काम चल रहा है गाइस देखिए देख सकते हैं तो हम लोग आ चुके हैं जगदीशपुर वाला एरिया पे गाइस देखिए यही वाला एरिया है कपिल वस्तु का जगदीशपुर एरिया बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे का भी बंदोबस्त है गाइस दोनों तरफ पे होम स्टे का व्यवस्था है चौधरी गांव है फुल चौधरी इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा इतना ठंड है गाइस देखो ठंड से बचने के लिए हरदम यही ऐसा ही चलता है यहाँ पे तो फाइनली गाइस हम लोग यहीं कपिल वस्तु का एक जाना माना प्रसिद्ध वाला एरिया वहीं पे आ चुके हैं गाइस यहाँ आपको बहुत बड़ा वाला चीज़ आज दिखने को मिलने वाला है गाइस यहाँ पे पूरा एकदम मूर्ति और यहाँ पे एक बहुत पुराना वाला ताल भी देखने को मिलता है आगे दिखाएंगे आपको तो गाइस यहीं पे जो अभी अभी यहाँ एक पर्यटकीय स्थल बन रहा है गाइस यही वाला एरिया जहाँ तकरीबन 4 महीने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है अभी अभी आपको दिखाए हैं मैंने यहीं पे आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन भी हो रहा है गाइस यहाँ इसको प्रिजर्वेशन में यहाँ का जो स्थानीय सरकार है वो भी लग रहा है गाइस देखो सुबह वाला मौसम में बहुत बहुत जगह से साइकिलिस्ट यहाँ आके घूम के गए चुके हैं गाइस यही है यहाँ का दृश्य आगे आपको और दिखाएंगे तो फाइनली गाइस हमारा जितने भी राइडर है वो राइडर किलोरा और आ चुके हैं गुड मॉर्निंग ब्रो तो जितने भी राइडर है वो राइडर सुबह का एकदम ठंडी वाला मौसम पे आ चुके हैं यहाँ पे किलोरा कोट प्राचीन कपिल वस्तु यहीं पे देख सकते हैं गाइस यही वाला एरिया है यहीं से सब लोग जा रहे हैं गाइस
तो अंदर विजिट वाला प्रोग्राम भी यहाँ चल रहा है, आपको अंदर भी दिखाएंगे थोड़ा देर में, थोड़ी देर में आपको अंदर पूरा दिखाएंगे शायद। तो फाइनली गाइज हम लोग तिलोरा कोर्ट का जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा पे आ चुके हैं गाइज। तो यहीं से हम लोग आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वेस्टर्न गेट, पश्चिम द्वार जो बोलते हैं, यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है यहीं पे रख दिया है गाइज। देखो तिलोरा कोर्ट जो पहला वाला है, एंशियंट वाला जो बिल्डिंग है, वो एंशियंट वाला बिल्डिंग का ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है गाइज यहीं पे। तो पूरा काठों काठ का बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं आगे, तो यहीं पे हमारा राइडर भैया को भी देख सकते हैं गाइज। हाँ भैया, कौन सी वाला जगह से आप आए हैं यहाँ घूमने के लिए? काठमांडू से। अच्छा, तो कैसा हुआ आपका राइड? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ, एकदम ही रमाइलो हुआ। हजुर, नया ऐतिहासिक कुराहरूलाई देख्न पाइयो। योभन्दा 10 वर्ष अगाडि आएको, यो कमसेकम 20 वर्ष अगाडि यो तिलोराकोटको यो के भन्छ कपिल वस्तुको दरबारमा आएको थिएँ। हजुर, त्योभन्दा अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि धेरै नै फरक पाएँ कि। पहिले बारहरू थिएन, खुल्ला थियो, जो पनि मान्छे आउन सक्थ्यो, गाई भैँसी चढाउँथे होइन, त्यसको अलिकति संरक्षण गरेको मैले धेरै पाएँ। तो अंदर वाला हिस्सा पे हम लोग आ रहे हैं गाइस। देखो टूरिस्ट वगैरह वगैरह सब यहाँ घूमने के लिए, जो इधर उधर इंजॉय करने के लिए आ रहे हैं गाइस। आपको दिखा रहे हैं, हम देखते रह रहे गाइस, आगे भी आपको दिखाएंगे। देखो जितना भी एंशियंट हो, मतलब उत्खनन बोलते हैं, जो वहाँ का जो चीज़ है वो निकालने का काम, खोदने का काम भी हो रहा है गाइस। तो यहीं पे इतना शीतलहर चल रहा है गाइस की बात ही मत करिए, बहुत तगड़ा शीतलहर यहाँ पे चल रहा है। लोग आगे चल रहे हैं, यहीं पे हमारा भैया जो भैरवा रहने वाला भैया है, और हमारा भाभी है। भाभी दिखने में देखो कितना क्यूट है, भैया भैया को भी देख सकते हैं इधर, ज़्यादा हैंडसम है। और दोनों मेची महाकाली जो तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वो मतलब राइड, वो दोनों भैया और भाभी ने कंप्लीट किया है। हाँ, कपल यात्रा। और यहीं पे हमारा भैया है, बड़े भैया जो बुटोल पे रहने वाले हैं। तो यहीं हमारा पुष्कर भैया को देखने को मिल गया यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे हमारा जितने भी राइडर भैया है, सब लोग का फोटो सेशन भी यहाँ चल रहा है गाइस। बसो बसो, एउटा ले खिचे भइहाल्यो। ओ अगाडि बस। ओ आगे आगे वाला हिस्से पे इधर भी वो जो उत्खनन का काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा एरिया है गाइस, बहुत बड़ा एरिया। यहाँ वो वाला मेन गेट है, मतलब यहाँ का जो आप ये तिलोरा कोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ आ चुके हैं, ये क्या है, मतलब इसका वास्तविक क्या है, इसका इतिहास क्या है, सब बता दीजिए। इतिहास इसका क्या है, जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में हुआ था, उनका जो नानी का घर है वो देवधा पड़ता, उनका मामा घर, और ये जो है गौतम बुद्ध का अपना घर, गौतम बुद्ध का पिता राजा सुदन को राज पैलेस, यहाँ पर गौतम बुद्ध एट द एज ऑफ 29 साल तक यहाँ पर बिताए हुए, यहीं से खेल कूद कर बड़े हुए थे। यही है आपका छोटकर में इतिहास, यही है इतिहास, यही है ओरिजिनल जगह, ओरिजिनल जगह। बार बार बोलते हैं तो वहाँ इंडिया में बना हुआ है कपिल वस्तु, ये क्या है फिर? ओरिजिनल कपिल वस्तु तो ये है ना आपका, वो तो कपिल वस्तु नया बना है ना, ये वो तो नया बना है। हाँ, ये आज तो आपको जैसे यहाँ आएंगे तो आपको मिलने को मिलता है मतलब गाइड के लिए, तो आपका नाम भी थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम राहुल सहानी, ईस्टर्न क्लास 9, एंड आई वांट टू बी इन फ्यूचर टूरिस्ट गाइड। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर। तो गाइस यहीं पे थोड़ा बहुत हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, तो आगे आपको दिखाएंगे। वेलकम वाला सेशन चल रहा है, लाइन
लाइन में उम्मीनो दो लाइन में भाई ना दो लाइन में भाई मैंने सजी लोग दो लाइन में उम्मीनो स्वागत है लाइन देखो ठीक है ठीक है ना लाइन में ल धन्यवाद गर्दन बनाइ छु काममा देखने को मिलता है प्राचीन कपिल वस्तु जो जो एरिया यहाँ घूमने के लिए आपको देखने को मिलता है यहीं पे किलोरा कोट में गाय यहीं पे जोड़ी स्तूप यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे तले यहाँ पे गाय तो ऐसे करके करके करीब करीब 8-9 वाला पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है और यही बाजू पे थोड़ा मैप भी देखने को मिलता है यहाँ आपको फुल नज़ारा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ गाइस देखिए देखते रहना।